जनता बोलेगी सुनेंगे सब बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते सत श्री अकाल, मैं साक्षी, एक बार फिर स्वागत है आपका बोल इंडिया बोल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या बात हुई पर्रिकर और राहुल गांधी के बीच। कैंसर से जूझ रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावों ने राफेल डील पर नए सिरे से विवाद छेड़ दिया। राहुल ने मंगलवार शाम और बुधवार को दो मंचों से दावा करते हुए कहा, पर्रिकर जी ने खुद कहा है कि राफेल डील बदलते वक्त प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री से पूछा तक नहीं। हालांकि राहुल ने यह साफ नहीं किया कि उनका दावा मंगलवार को हुई मुलाकात पर है या नहीं। वहीं इसके जवाब में पर्रिकर ने बुधवार शाम राहुल को झूठा करार देते हुए एक पत्र लिखा। इस पत्र में पर्रिकर कहते हैं, अपने जीवन के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे बीमार व्यक्ति को गंदी राजनीति का शिकार मत बनाइए। इसके करीब 5 घंटे बाद राहुल ने जवाबी पत्र में कहा कि उन्होंने पर्रिकर के साथ मंगलवार को हुई मुलाकात का कोई ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने जो भी कहा है वह सब पहले से पब्लिक डोमेन में है। राहुल मंगलवार को अचानक पर्रिकर के कार्यालय पहुंचे थे और उनसे मुलाकात भी की थी। पर्रिकर ने राहुल को खत लिखा, 29 जनवरी को आप बिना पूर्व जानकारी के मेरा हालचाल लेने के लिए आए। हमारे देश में स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति है, हम अपने विरोधियों का भी बीमारी की स्थिति में हालचाल लेते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसी भावना के चलते मैंने आपसे मुलाकात का स्वागत किया और आपके इस दयालु व्यवहार की प्रशंसा भी की। पर्रिकर ने आगे लिखा, हालांकि आपकी मेरे दफ्तर में हुई मुलाकात को लेकर आ रही मीडिया रिपोर्ट से मुझे परेशान कर दिया। मीडिया में आपके हवाले से यह रिपोर्ट आ रही है कि राफेल हासिल करने में मेरा कोई रोल नहीं था और इस बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आपने इस मुलाकात का इस्तेमाल तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए किया। आपने मुझसे 5 मिनट तक मुलाकात की। इस दौरान ना तो आपने राफेल के बारे में मुझसे कुछ पूछा और ना ही हमने इससे जुड़ी कोई और बातचीत की। राफेल के बारे में हमारी मुलाकात के दौरान कुछ भी नहीं कहा गया। शिष्टाचार के तहत मुलाकात के लिए आना और तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए झूठे बयान देना मेरे मन में आपको लेकर सवाल पैदा करता है। इससे आपकी गंभीरता और मुलाकात मकसद को लेकर सवाल उठता है। मैं जीवन के लिए खतरा साबित होने वाली बीमारी से लड़ रहा हूँ। अपनी ट्रेनिंग और मनोबल के चलते मैं हर मुश्किल के बावजूद गोवा के लोगों की सेवा करूँगा। मुझे लगा था कि मुलाकात के दौरान आपकी शुभकामनाएं मेरे इस मकसद में मददगार होंगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आपके इरादे कुछ और हैं। गहरी निराशा के साथ मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सच सामने रखेंगे। कृपया किसी बीमार व्यक्ति से मुलाकात का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक मौका परस्ती को पूरा करने के लिए ना करें। इन सब के बावजूद पर्रिकर ने गोवा विधानसभा में कहा, मैं आज फिर वादा करता हूं कि मैं गोवा की पूरी ईमानदारी समर्पण के साथ आखिरी सांस तक सेवा करूंगा। मैं पूरे जोश में हूं और यह बहुत ज्यादा है। मैं पूरी तरह होश में भी हूं। इस पर राहुल ने नई सियासत खेलते हुए कहा, पर्रिकर जी, मुझे आपसे सहानुभूति है। कल आपके साथ हुई मुलाकात के बाद आप पर जो प्रेशर है उस स्थिति को मैं अच्छे से समझता हूँ। इसी दबाव के चलते आपने प्रधानमंत्री और उनके साथियों के प्रति वफादारी दिखाने के लिए मुझ पर असामान्य तरीके से जवाबी हमला किया। आपको इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि जब आपका अमेरिका में इलाज चल रहा था तब मैंने फोन करके आपका हालचाल पूछा था और आपके स्वस्थ होने की कामना भी की थी। साथ ही बुधवार को राहुल ने यह भी कहा, मैंने कल पर्रिकर जी से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि डील बदलते वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से नहीं पूछा था। एक तरफ पर्रिकर जी मीटिंग में कहते हैं कि मेरे पास राफेल फाइल पड़ी हुई है, मुझे गोवा से कोई नहीं निकाल सकता। उनका मंत्री जर्नलिस्ट से टेलीफोन पर बातचीत करता है। मोदी जी पर्रिकर को खुश करने की कोशिश करते हैं। अब सच क्या है ये तो पर्रिकर और राहुल ही जानते हैं। देश से जुड़ी बाकी खबर जानने के लिए देखते रहिए बोल इंडिया बोल।